ये है ह्योसंग की GTR 250 जो कि डबल सिलेंडर में भाई इंडिया में आई थी ये कंपनी। मगर यार ये कंपनी जो है ना वो ज़्यादा कमाल नहीं दिखा पाई इंडिया के अंदर, इस कंपनी को इंडिया छोड़ के जाना पड़ा वापस। और भाई अब जिन जिन के पास ये बाइक रह गई है वो बड़े परेशान होते हैं भाई इस बाइक के पार्ट के लिए, और इसमें दिक्कत बहुत ज़्यादा आने लग गई है जब से ये कंपनी गई है। और भाई ये बाइक अपनी बल्कि लुक के लिए मशहूर हुई थी और अपनी आवाज़ के लिए थोड़ी सी मशहूर हुई थी क्योंकि इसमें डबल सिलेंडर है। मगर अब जिनके पास ये बाइक रह गई है वो यार बेचने के लिए तैयार हैं और परेशान रहते हैं। तो भाई जिस बाइक के पास ये वाली बाइक हो या जिस दोस्त के पास बाइक हो मुझे कमेंट करो, मुझे टैग करो और बताओ किस किस के पास बाइक है, कौन परेशान है। अच्छा आपको मैं बता दूं ये बाइक जो है वो आगे का इसका जो वाइजर है वो मॉडिफाइड किया हुआ है, ऐसा नहीं आता है।